उनके उन पे आपकी तवज्जो तलब करना चाहता हूँ, आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पहला मुद्दा तो ये है कि जो अमेज़न ई कॉमर्स कंपनी है, इन्होंने अपनी किताबों में दिखाया है कि पिछले 2 साल में इन्होंने 8,546 करोड़ रुपया भारत में लीगल फीस दी है। अब मैं तो और कोई भी आदमी ये मानने को तैयार नहीं है कि एक कंपनी का इतना बड़ा लीगल फी का बिल बन सकता है। इसका अभी तक कोई जवाब ना कंपनी की तरफ से आया है, ना भारत सरकार की तरफ से आया। जो भारत का कानून मंत्रालय है, उनका अपना जो बजट है पूरे हिंदुस्तान का, वो 1100 करोड़ है। तो ये बात हम मानने के लिए तैयार नहीं है, इसका कोई ना कोई हम जवाब भारत सरकार से चाहते हैं। दूसरा है कि जो अडानी मुद्रा पोर्ट है, उसमें दुनिया का सबसे बड़ा जो ड्रग्स का मंशियात का जो केस सामने आया है कि तकरीबन 25,000 किलो हेरोइन उस पोर्ट से बरामद हुई, और जिसकी जो स्ट्रीट वैल्यू है वो तकरीबन 2.25 लाख करोड़ है। तो खदशा ये भी है कि एक एक कंसाइनमेंट तो पकड़ा गया, पर कितने कंसाइनमेंट निकल गए होंगे। तो दोनों मामलों में हम भारत सरकार से जवाब चाहते हैं। इसके लिए कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट की जांच होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि इन दोनों मामलों में भारत सरकार की और सॉरी इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी सालमियत को खतरा है, और ये जो जो ये दोनों काम है ये वतन दुश्मन कार्रवाइयां हैं, और जो भी ये काम कर रहा है उसको कानून के शिकंजे में लेना चाहिए, और इसका कोई ना कोई जवाब जो है हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं। धन्यवाद। तो ये सबसे पहले तो क्योंकि जो आम लोग होते हैं उनको तो अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उनसे ही फुर्सत नहीं मिलती। तो जैसे आज मैं राजकोट गया हूँ तो 50 जगह पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी तर्ज पे हो रही है। तो एक बार हम इसको मीडिया पे और मंजरे आम पे, और जब ये लोगों की ज़ुबान ज़दे आम ये बात हो गई, तब इसके बाद अगला जो स्टेप है वो कांग्रेस पार्टी सोचेगा। प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं, क्या कहेंगे ये जो आप कोर्ट की बात कर रहे हैं, देखिए बात प्राइवेटाइजेशन की नहीं है। मैं रेलगाड़ी को प्राइवेट कर देता हूँ फर्ज करो, और रेलगाड़ी में कोई पकड़ा गया तो ये तो उसका मामला नहीं है ना कि ये रेलगाड़ी कौन चला रहा है। पर जितनी नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड है, ईडी है, सीबीआई है, होम मिनिस्ट्री है, ये क्या सो रहे हैं? मतलब मसला तो सरकार पे है, प्राइवेट या पब्लिक की बात नहीं है। जिन लोगों की जिम्मेवारी है इस मुल्क की हिफाजत करना, वो कोताही कर रहे हैं। हमें मसला ये है, बढ़ रहे हैं क्योंकि आपने अपने जो स्टेट फाइनेंसेस है, जो अपने मुल्क के फाइनेंसेस है, वो आपने तबाह कर दिए। अब आपके पास और कोई चारा नहीं है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने हैं। पर अगर आप पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाओगे, और इसका मतलब ये है कि आप अपनी इकोनॉमी को कंपटीशन से बाहर निकाल दोगे। अगर भारत कंपटीशन से बाहर निकल गया तो फिर इससे बड़ा ये तो उससे भी बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मैं पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, मैंने एक बैलेंस बना के चलना है, मेरी आमदन कितनी है और मैं खर्चा कितना करूँगा, ये तो बैलेंस बनाना पड़ेगा। आप अपना घर भी तो ऐसे ही चलाते हैं। मैंने ये भी बैलेंस बनाना है कि जो मेरी आमदन है उसमें लोक भलाई के जो काम हो रहे हैं, जैसे देखो ये तो मैं भी मानता हूँ कि पंजाब में हिंदुस्तान में एक ऐसा तबका भी है जो सुबह उठता है और एक कुआं खोदता है, और शाम को जब कुआं खोद लेगा तो उसमें से पानी पिएगा। अगर कुआं ना खुदा तो पानी नहीं मिलेगा। तो इस तबके के लिए जिसको लोक भलाई के काम है,
मैंने एक बैलेंस बनाना है कि मैंने अपने स्टेट में तरक्की कितनी करानी है, सड़कें, पुल, नहरें, डैम, बिजली घर, गली, नाली, टूटी, खंबा, ये भी लगाना है, और लोग इसका भी तो बैलेंस बनाना पड़ेगा। मैं ये भी मानता हूँ कि आज से 3 महीने बाद शायद पंजाब में इलेक्शन है, हो सकता है हमारे कोई शॉर्ट टर्म गोल्स हों, पर पंजाब के तो लॉन्ग टर्म गोल भी तो हैं, इसका भी तो बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो जब तक आप अपनी मुल्क में ये बैलेंस नहीं बनाएंगे खर्चे और आमदन का, यही हाल होगा कि पेट्रोल के दाम आज पूरी दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल अगर है तो वो हिंदुस्तान। सर, आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं और जिस तरह से निर्मला सीतारमण ने पैकेजेस दिए हैं, दिखते नहीं है, तो क्या आप मानते हैं कि इंडिया में से बेहतर फाइनेंस मिनिस्टर? नहीं, ये तो मैं, ये तो छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी, ये मेरी हैसियत और औकात नहीं है कि मैं उनके कोई किरदार कुशी करूं। पर बीजेपी को अपने फाइनेंसेस जो हैं, मुल्क के फाइनेंसेस, क्योंकि हमारी आने वाली नस्लें हैं, उनकी किस्मत इनसे जुड़ी हुई है, तो इनको बेहतर से बेहतर काम और बेहतर से बेहतर सोच करनी चाहिए। और देखिए, मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा, जहाँ जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होएगा, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकते। अगर मैं अपने घर में इंसाफ ना करूं, अपने बच्चों के साथ इंसाफ ना करूं, तो मेरा घर भी बरकत में नहीं रहेगा। जिस दिन ये मुल्क जब इंसाफ पे आ गया, तो ये मुल्क तरक्की कर जाएगा, क्योंकि जब इंसाफ नहीं करोगे तो अमन नहीं आता, अमन नहीं होगा तो तरक्की नहीं होगी। जब आपने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में मोदी का जादू नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, किस पे मोदी जी का जादू? आपने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में चल रहा, पंजाब में नहीं चल रहा, इसका कारण आने वाले दिनों में चुनाव होगा। पंजाब के लोग जो दरअसल हैं, वो उनको बेइंसाफी ना पसंद, इस वजह से नहीं चल रहा, और पंजाब में कभी भी नहीं चला बीजेपी का, आज से 10 साल पहले नहीं चला, 15 साल पहले नहीं चला, और जिस दिन वो इंसाफ करने लग जाएंगे तो शायद उनका जादू वहां भी चल जाएगा। कांग्रेस पार्टी का ये मौकफ है कि अगर आप वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स की अगर आप इस असूल को मानते हैं, तो फिर डीजल पेट्रोल को आना चाहिए, बिजली को आना चाहिए, लैंड को आना चाहिए, क्योंकि फिर अगर सारे मुल्कों में बराबरी होगी तभी तो मुल्क तरक्की करेगा। ये कांग्रेस पार्टी का। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।